नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल जीवा स्टडी पर। मैं मुकेश कुमार जांगिड, वरिष्ठ अध्यापक गणित, आपका स्वागत करता हूं। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे आरपीएससी सेकेंड ग्रेड की नई भर्ती कब तक आ सकती है। 100% जो सटीक जानकारी मैं आपको इस वीडियो में दूंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। तो बात करेंगे हम सेकंड ग्रेड भर्ती की, क्योंकि ज्यादातर स्टूडेंट जो अभी सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए क्या ऑप्शन मिलता है, कब तक जो सामान्य शिक्षा की जो वैकेंसी हो सकती है। तो देखो, अभी जो है आप रीट की या थर्ड ग्रेड की तैयारी करने का सोच रहे हैं तो आप एक बार जो है ना सोचे इसके बारे में, क्योंकि रीट या थर्ड ग्रेड की वैकेंसी आने में टाइम लग सकता है। बाकी फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड जिसमें भी आप योग्य हैं उसकी तैयारी आप कर सकते हो, ठीक है। तो सेकंड ग्रेड की हम जो है भर्ती आने की कब तक चांस है और क्यों देरी हो रही है वो भी इस वीडियो में जानेंगे। तो सबसे पहली बात तो कि देरी क्यों हो रही है, तो देरी इसलिए हो रही है कि जो 4/17 है उनकी डीपीसी बकाया है, ठीक है। डीपीसी का मतलब होता है प्रमोशन, फर्स्ट ग्रेड से वाइस प्रिंसिपल, सेकंड ग्रेड से फर्स्ट ग्रेड, थर्ड ग्रेड से सेकंड ग्रेड का जो प्रमोशन होता है, डीपीसी की प्रक्रिया होती है, वो 4/17 से बकाया है, जिसके कारण जो है अभी सटीक इन्फॉर्मेशन नहीं होती है कि कितने पद खाली बचेंगे कितने नहीं बचेंगे, इसलिए जो है भर्ती थोड़ी लेट हो रही है। कुल मिला के हम बात करेंगे जो राजस्थान में वर्तमान में सबसे ज्यादा जो है सेकंड ग्रेड के ही पद खाली हैं, जिसमें हम प्रारंभिक शिक्षा और जो माध्यमिक शिक्षा को मिला के लगभग 33,000 पद जो है खाली हैं अभी भी, किसमें जो है सेकंड ग्रेड में। तो सेकंड ग्रेड की भर्ती आपको जो है देखने को मिल जाएगी जैसे डीपीसी की प्रक्रिया पूर्ण हो जाएगी। डीपीसी की प्रक्रिया चल रही है फिलहाल, जो है व्याख्याता से फर्स्ट जो है वाइस प्रिंसिपल की डीपीसी हो चुकी है, ऐसे ही जो है सेकंड ग्रेड से फर्स्ट ग्रेड और जो है थर्ड ग्रेड से सेकंड ग्रेड की डीपीसी होगी, और उसके बाद में आपको जो पदों का ब्यूरो का उसके हिसाब से आपको भर्ती देखने को मिल जाएगी। अगर आप थर्ड ग्रेड की तैयारी करें तो एक बार जो है थर्ड ग्रेड, अगर आपके पास ऑप्शन ही थर्ड ग्रेड है तो तैयारी करते रहिए, लेकिन अगर आपके पास सेकंड ग्रेड या फर्स्ट ग्रेड ऑप्शन है तो उसकी तैयारी अच्छे से करें। फर्स्ट ग्रेड की बात करें तो फर्स्ट ग्रेड में भी जो है बहुत सारे पद खाली हैं, और जो पिछली सरकार में लगभग 3,500 जो स्कूल 10वीं से 12वीं तक हुए थे यानी कर्मोन्नत हुए थे, उन स्कूलों में जो है जो व्याख्याता के पद है वो भी सर्जित होंगे, जिससे व्याख्याता के पद भी बहुत सारे खाली होंगे और उसकी भी भर्ती आपको जल्द ही देखने को मिल जाएगी। डीपीसी की प्रक्रिया के कारण थोड़ा सा लेट हो रहा है, जैसे डीपीसी की प्रक्रिया पूर्ण हो जाएगी उसके बाद में आपको अच्छी खासी वैकेंसी देखने को मिलेगी। तो अपनी तैयारी को अच्छे से चलने दें, सब्र रखें, सब्र जरूरी है। आपको अच्छी तैयारी करनी है तो टाइम भी देना होगा, और आपके लिए अच्छी बात यह कि आपको ऑटोमेटिकली टाइम मिल रहा है। फिलहाल जो आपको संस्कृत डिपार्टमेंट की सेकंड ग्रेड आ रही है उसके हिसाब से आप तैयारी करते जाइए, सेकंड ग्रेड संस्कृत डिपार्टमेंट को टारगेट लेके चलें। अगर उसमें सिलेक्शन कम पोस्ट के कारण नहीं भी होता है तो आप सामान्य शिक्षा के लिए अच्छे से तैयारी कर पाओगे। बाकी आप चैनल जीवा स्टडी से जुड़े रहे, मैं आपको वक्त वक्त पर जो है इन्फॉर्मेशन देता रहूंगा, तो अच्छे से तैयारी करते रहें। जो सेकंड ग्रेड की तैयारी करें वो करते रहें, थर्ड ग्रेड की तरफ एक बार ना जाएं। मैंने एक वीडियो भी बना रखा है कि सेकंड ग्रेड और थर्ड ग्रेड में से किसका चयन करें, उसको देख सकते हो, क्योंकि अगर थर्ड ग्रेड पहले आती है तो आप इजिली वहां पर जो है शिफ्ट हो सकते हो, लेकिन अगर सेकंड ग्रेड पहले आ गई तो थर्ड ग्रेड से सेकंड ग्रेड में शिफ्ट होना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। तो अच्छे से तैयारी करते रहें, बाकी आप चैनल जीवा स्टडी पर बने रहें। धन्यवाद।